खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने सभी क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर वहां रह रहे लोगों का जाना हालचाल, साथ ही वहां लोगों को पानी की बोतलें, टॉयलेट, ब्रूश व मच्छरदानी वितरित की। आगे भी ब्लॉक प्रमुख ने क्वारंटाइन किए लोगों को हर संभव प्रयास दिलाने की बात कही। वहीं मिशन आरोग्य के संचालन सुमित यादव और खटीमा प्रधान संघ अध्यक्ष संजीव सिंह राणा ने भी सहयोग प्रदान किया। वहीं अध्यक्ष संजीव सिंह राणा ने कहा कि सुबह और शाम को क्षेत्र में जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वहां जाकर उनका हालचाल पूछने मैं खुद जाता हूं और मेरी तरफ से सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने सारी सुविधाएं दुरुस्त कर रखी है, जो सरकार ने मेरे ऊपर जो दायित्व सौंपा है मैं उसको पूर्ण तरह से निभा रहा हूँ और हर तरह की व्यवस्था मैंने दुरुस्त कर रखी है उनके लिए। कहीं है मैं और मेरे जो वार्ड मेंबर्स हैं उनकी मैं निगरानी के लिए कर रखा हूँ। मैं वो समय समय पर रात में 11-12 बजे तक एक दो चक्कर मारते हैं और मैं भी समय समय पर इनके हालचाल पूछता रहता हूँ। कोई समस्या नहीं है। आप सेंटर जो एक तो भूड मोहल्लिया में हम लोग गए और ये दूसरा पहनिया में दो सेंटर खुले हुए हैं। यहाँ पे 12-13 लोग रह रहे हैं। यहाँ जी के प्रधान जी ने अच्छी व्यवस्था करा रखी है, ठीक है। यहाँ पे मच्छरदानी और पानी की बोतल और हम लोगों को फ्रूट की व्यवस्था करा रहे हैं और डेली पानी की व्यवस्था कराते रहे, जिससे कि इनको रहने में दिक्कत ना हो और इनका मनोबल बढ़ता रहे और आने वाले लोगों को भी उत्साहित करते रहे।